आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है। वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 संस्कृत पूर्णांक 100 का है। पेपर कोड है BO। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बड़े विद्यालय मार्केट का है। बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय में आया होगा, समझ लीजिए, और बहुत लाभ मिलने वाला है आपको। देख रहे हैं ना, समय 3 घंटे, बिल्कुल अभी पेपर डिमांड पर, जहां पर हाई स्कूल और इंटर का पेपर हो रहा है बच्चों का, बोर्ड का, वहां परीक्षा शुरू हो गया है। बाकी रियल पेपर तो अब मार्च में शुरू होंगे सभी विद्यालयों में। लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और जो है इतना शेयर करना, इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे, समझ रहे हैं। सभी का सेट 11 के बच्चों को सेट 1 है, जल्द से जल्द 2 शुरू हो जाएगा। और 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बताइए, 5-5 सेट पेपर डालते हैं, कितना होता है, समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर, देख रहे हैं, इसको पढ़ेंगे पहले, पूरा पद्य आपको दिखाई दे रहा है। फिर ऋषणानाम धर्मा किम अस्ति, अनाथम परिपालनम ही धर्मा अस्माद्विधानम, देख रहे हैं, इसी में सब मिल जाएगा पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो, देख रहे हैं ना। सुखा कदा गगन तल संचरण समर्था भविष्यति, जावाल सुखम कया अदृष्टया अपश्यत, भगवान जावाल सुखस्य विषय किम अकथयत, देख रहे हैं। ऋषिणाम मध्ये कस्य आलापम क्रियते अस्म, बिल्कुल सभी का आंसर इसमें मिल जाएगा। पाठ्य पुस्तक के आधार पर चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना है, राजा शूद्रक वैश्यम पायन, बाण भट्ट के गद्य की विशेषताओं का उल्लेख हिंदी अथवा संस्कृत में कीजिए, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा इसमें से 4 विकल्प हैं जो सही होंगे आप करेंगे, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसी एक श्लोक का सह संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, श्लोक आपको दिखाई दे रहा होगा, इनमें किसी एक का करना है। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का सह संदर्भ संस्कृत में व्याख्या करना है, जो आपके किताब के अंत में होता अन्वय दिया रहता है उसी को लिखना होता है। ये जो श्लोक आप हेर लेंगे जो आया उसका अन्वय देख लेंगे, आपको मिल जाएगा पूरा संस्कृत अर्थ हो जाएगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कालिदास की काव्य शैली एवं काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, देख रहे हैं ना। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखिए, कालिदासा कई प्रभाविता अभवत, कई देख रहे हैं तो कई से कहा गुड़ई, ये गुड़ई से, देख रहे हैं ना। फिर सतत अभ्यास है किम प्राप्यते, लगातार अभ्यास करने से क्या प्राप्त होता है, विद्या प्राप्त होता है। फिर आगे लिखा गया, कृपया पन्ना पलटिए, देख रहे हैं ना, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, एक बार फिर से देख लीजिए पेपर, कहीं छूटा ना हो किनारा आपका, फिर से देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, बहुत लाभ मिलने वाला है आपको, देख रहे हैं ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, बहुत लाभ मिलने वाला है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला, निम्नलिखित में से किसी एक सूक्त की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, भगवान वर खलवेश नासिसा, देख रहे हैं ना, इसी तरह से लिखना है सब कपड़ा देख करके सूक्त का। अगर 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी एक अंश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, पूरा पूरा इसका, देख रहे हैं ना, का खा पूरा। फिर ग्रामा कालिदास के जीवन परिचय का संक्षिप्त विवेचन हिंदी अथवा संस्कृत में अधिकतम 100 शब्द में कीजिए, आप्यस्यति आप धातु के किस लाकार पुरुष और वचन का रूप है, वृद्ध धातु, देख रहे हैं ना, इतना पूरा देख रहे हैं। फिर है 13वां, अनुप्रास अथवा यमक अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत में लिखिए, परंतु उदाहरण संस्कृत में दीजिए। तो यमक अलंकार की परिभाषा हिंदी में तो बता, परिभाषा में बता देता हूँ, कनक कनक ते सौगुनी मादकता ते अधिकाय, ते नर पाए बौरात है ते नर खाए बौराय, देख रहे हैं ना, तो ये तो उदाहरण है कनक, लेकिन संस्कृत में देना है, वह शब्द पुन पुन पढ़े, परिभाषा आप लिखेंगे यमक, वह शब्द पुन पुन पढ़े अर्थ और ही और, सो यम का अलंकार है कहें सुकवि सिरमौर। तो कहने मतलब एक शब्द जहाँ बार बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब संस्कृत में अपना उदाहरण दे देंगे, किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, यह शिशु व्याघ्र से डरता है, दूसरा रामू प्रतिदिन स्कूल जाता है, बहुत सरल है, रामू प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, ये भी होगा, आयम शिशु व्याघ्रस्य अपादारे व्याघ्रस्य विभेति डरता है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, अहम 7वीं कक्षायाम पठामी, देख रहे ना, माता पिता का आदर करो, माता पिता चा
सम्मानम कुरु। फल के साथ पत्ता गिरता है, फलेन सह पत्रम पतति। भीम अर्जुन से बड़े थे, भीमा अर्जुनस्य श्रेष्ठा आसीत। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक के नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। वासुदेव नमः क्या है, बालिम वसुधा याचते, फिर है इदम मया श्रूयते, इस वाक्य में प्रयुक्त मया पद से विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है इसमें। निम्नलिखित पदों में से किसी एक में समास विग्रह, कृष्णार्जुनो प्रतिदिनम घनश्यामा घनश्यामा, इसमें जहाँ लिखे इसमें लिख देंगे चंद्रशेखरा या ससा ब्रवी समास, मतलब जिसके सिर पर मस्तक पर चंद्रमा है अर्थात शंकर भोलेनाथ। श्वेतम्बरा श्वेत अम्बर या ससा बहुब्रीही समाज, अर्थात जिसका वस्त्र श्वेत है सफ़ेद है अर्थात सरस्वती। उपोषति इसका हो जाएगा उपधन उसति उपोषति, इको यणच का सूत्र लगेगा इसमें। इदम शब्द का खष्टी बहुवचन में रूप होता है, देख रहे हैं लिखेंगे। गंगाय पद में गंगा प्रतिपादत के किस विभक्ति और वचन का रूप है। नद्याम पद नदी शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है, देख रहे हैं ना। 19वां में किसी एक विषय पर संस्कृत में पत्र लिखिए, अपने नियमित अध्ययन की प्रगत सूचित करते हुए अपने पिताजी को संस्कृत में पत्र लिखिए, अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश के भ्रमण के लिए एक पत्र लिखिए, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 संस्कृत देख रहे हैं ना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।